हाय फ्रेंड्स, मु रजत स्वागत करछि आपनकु मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे। देखंतु पिला माने, आज हमें देखिया सेट नंबर 7 जाकि आपनकर ओपीसीएस पई इंपोर्टेंट ओडिया फुल क्वेश्चन आपन 50 क्वेश्चन पाखा के आपन पाइबे जाकि ओपीसीएस को बेस कर रहउछि ओडिया ग्रामर। जो मन चाहती 6 PM फ्री क्लास करिवे, मोर एठी एमसीक्यू क्लास चले छे डेली। आपन टेलीग्राम लिंक दे देउछु आपनको, आपन क्षेत्र जॉइन कर जानतु। आपनको फ्री क्लास रो लिंक डेली 6टा बेले मिलि जइबो। देखंतु ओएस प्रीलिम पे हमें नुवा बैच स्टार्ट कर छु, त कि 22 जून रु स्टार्ट होई छी ओसीएस प्रीलिम बैच 1। एतरे आपन टोटल प्रीलिम सिलेबस कवर होउ छी एवं ता सहित मिशन एसओ ना रे गोटे फास्ट ट्रैक बैच, जटा कि बैच आपन एग्जाम पूर्व रु मध्य कंप्लीट होई जइबो। एटा 15 रु स्टार्ट होउ छी। एतरे मध्य आपन एबीबी जॉइन कर क्लास कर पारिबे 3 मास रो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नै करी। देखंतु पिला माने, एटि डिस्काउंट अछि आपण मानपई 20% ऑफ डिस्काउंट ऑफर अछि जून 27 रु 30 भीतर। जदि आपण एबे जॉइन करसंती आपनको 20 रु 25% डिस्काउंट आपनको मिलिबो। ई ऑफर कळ 30 दिन लागू अछि, आपण तार भीतर ही जॉइन करंतु। केमिति जॉइन करिये, फर्स्ट आपण अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिवे, कला पर लॉगिन टाइम रे ऑफिस गोल चूज करिवे, तापर ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे डिस्काउंट लिंक शेयर करछि, तापर क्लिक करि जॉइन करि पारिवे। से कहिछि उ प्रत्ययर दीप्त प्रयोग रे डैश क्रियापद गठित होइथाय। उ प्रत्यय द्वितीय प्रयोग असमापिका क्रिया गठित होता है। देखुला क्रियापद आ ड्यास सूचक प्रत्यय पुरुष वचन केउठी नुहे पुरुष वचन आ गोटे कु प्रकार प्रत्यय देखुला क्रियापद आ गोटे कु प्रकार प्रत्यय एटी आ व पुरुष वचन सूचक प्रत्यय। जौगिक क्रियापदर प्रथम क्रियाटी सर्वदा ड्यास रूप विशिष्ट असमापिका समापिका सक्रमक केउठ नुहे। जौगिक क्रियापदर प्रथम क्रियाटी सर्वदा असमापिका क्रिया। अनिप्रत्यय क्रियापद युक्त अनिपद क्रियापद कौन हम अनिपत्य क्रियापद ड्या युक्त होता है आरंभ से शेष शेष कौ लगी था अनिपत्य शेष खाइबणी जीवणी बसवणी उठीबणी लास्ट अभिप्रायिक अनुज्ञा क्रिया ड्यास अटे। अभिप्रायिक अनुज्ञा क्रिया भाव अवय समय काल गोटे क्रियार ड्यास क्रियार गोटे भाव ए दुटा क्रियार भाव को बुझाए। ओडिया रे नामधातु क्रियापद ड्यास प्रत्यय युक्त होता है। ओडिया रे नामधातु क्रियापद ड्यास प्रत्यय युक्त होता है। नामधातु हबनी प्रयोजक हब सबीकरण क्रियापद ड्यास टी विकरण थाए। सबीकरण क्रियापद केतोटी विकरण थाए सबीकरण क्रियापद गोटे क्रियापद गोटे विकरण थाए। जाउथिबो क्रियापद था एक ड्यास क्रिया जाउथिबो क्रियापद था गोटे ड्यास क्रिया था गोटे सहायक क्रिया। खाई देला क्रियापद खाई एक ड्यास क्रिया खाई गोटे को क्रिया हबो खाई गोटे पिला देख देला गोटे जदि सहायकारी क्रिया हम खाई गोटे मुख्य क्रिया हम आभिमुख्य क्रियापद सर्वदा ड्यास होता है। सरल सहायक जौगिक केउठ नुहे आभिमुख्य क्रियापद सर्वदा जौगिक होता है। ड्यास एक परिपूरक धातु
अब आसवा देख आर मिश्रकर हेनी कि यार जदि आम प्रेरणाधक कर प्रयोग करवा जमी खुआईवा पढ़वा हसैवा सेमती आसवर हेनी क्रियापद सहित जो प्रत्यय युक्त हुए ताको ड्यास कहा जाए। क्रियापद सहित जो प्रत्यय युक्त हुए ताको क्रिया विभक्ति कहा जाए। धातु उत्पन्न हुई ओडिया रे ड्यास प्रकार धातु उत्पन्न ओडिया ड्यास प्रकार पद प्रस्तुत होता है धातु दी प्रकार तो ये आम दी प्रकार पद ही लिखिया आंसर। ड्यास एक समाहार मूलक क्रियापद आदि कौटा समाहार मूलक क्रियापद ड्यास एक समाहार मूलक कूले धरी बसीचि ये दुटा समाहार मूलक क्रियापद नेक्स्ट क्वेश्चन खाऊ नथिबे क्रियापद रे था एक ड्यास था गोटे कौन था गोटे उपकारक धातु था एवं अच ड्यास धातु मौलिक तथा सहयोगी धातु भाव व्यवहृत कौटा मौलिक तथा सहयोगी बोली धातु नेबा लेखिबा पढ़ीबा हानिबा आंसर नेबा कहबा खाई नेबा बही नेबा इसु लास्ट को लागी थाए इसु फास्ट रे थाए नेबा हब राइट आंसर उठ युक्त ए उठे एठी ए गोटे कौन एठी ए गोटे हला एक्चुअली ये गोटे पुरुष वचन सूचक प्रत्यय किंतु धातु जो प्रत्यय लगी थाए ताको में धातु विभक्ति वा क्रिया विभक्ति बोली कही थाए सुनामी प्रकोप कि भयंकर एटी को चिन्ह दिया जीवो एटी चिन्ह कि भयंकर पर एटी विस्मय दिया जीवो हे छात्रगण उठ जाग्रत हुओ ए छात्रगण पर कौ चिन्ह दिया जीवो एठी दिया जीवो आपनकर प्रथम छेद कमा दिया जीवो शिक्षक छात्र मानु कहिले मु तुम मानको आज व्याकरण विषय रे पढ़ाइबी ए होल गार दिया जी देखो यदि कौन हम टोटल कमा दिखाई कमा पर आम एमती लिखिपर डबल चिन्ह उद्धृत चिन्ह नेक्स्ट सेवा ममतार प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा एटा पूर्वर हम तेरेसा पूर्वर कौ चिन्ह बस आंसर हम 86 नंबर ए कोलन स्थल विशेष संबोधन पद पर क्यों चिन्ह व्यवहृत होता है स्थल विशेष संबोधन पद पर कौ चिन्ह व्यवहार होता है स्थल विशेष संबोधन पद पर कौ चिन्ह व्यवहार होता है आंसर हम बी विस्मयसूचक चिन्ह
ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗ ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏଠି କୋଉ ଚିହ୍ନ ବସିବ? 88। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ 88 ଏ ସେମିକୋଲନ। ପୋଖରୀଟିର କେଉଁ କେଉଁ କେରାଣ୍ଡି ମାଗୁର ଗଡ଼ିଶା ରୋହି ଭାକୁର ପ୍ରଭୃତି ମାଛ ଅଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ମାଛ ଭିତରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ? ଆନ୍ସର ହେବ ମାଛ ଭିତରେ କମା ଲାଗିବ, ସବୁଠି କମା ଲାଗିବ। କଥାରେ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରୁ ବାସ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଏଠି କ'ଣ ବସିବ? ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ କୋଲନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶରେ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶରେ ଗଠିତ। 2, 3, 1 ଆନ୍ସର ହେବ 2। ବିଧ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କିଏ? ବିଧ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା କ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା ଯିବି, ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ତୁମେ, ମୁଁ, ସେ, ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି, ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୁଁ। ଫୁଲରେ ପୋକ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଚାଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଫୁଲରେ ପୋକ କ'ଣ ହେବ? ଫୁଲରେ ପୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛି ହୁଏନି, ପୋକ ଗୋଟେ ବହୁବଚନ, ବହୁତ ପୋକ ବୁଝାଉ, ସବୁ ପୋକ ବୁଝାଉ। ଯଦି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ ବୁଝାଏ, ଯଦି ପୋକମାନେ ସବୁ ପୋକ ବୁଝାଏ, ତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ହେବ। ଅଛ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁ। ଅଛ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧାତୁ? ଅଛ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଏଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ। କର୍ତ୍ତାପଦ ଓ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାପଦ ପୁରୁଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଗ ଠିକ ଭୁଲ ଦେଇଛି? କର୍ତ୍ତାପଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାନେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ତ କର୍ତ୍ତାପଦ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କ'ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ କି? ନା ନା, କାହିଁକିନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସହିତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ନାହିଁ କର୍ତ୍ତା ଉପରେ। କର୍ତ୍ତାପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତା ଡ୍ୟାସ୍। କର୍ତ୍ତାପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ବିଧେୟ। ଥା ଧାତୁର ବିକଳ୍ପ କେଉଁ କାଳରେ ଆସିଥାଏ? ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡ୍ୟାସ୍। ଘଟେ, ଘଟେ ନାହିଁ, ଘଟିପାରେ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ବକ୍ ବକ୍ ହେଉଛି, ଏ ବକ୍ ବକ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ବକ୍ ବକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପଦ ହେଉଛି ସବୁ ସେମ୍ ଧନାତ୍ମକ କ୍ରିୟା। ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଟ୍ ନମ୍ବର 7, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ସେଟ୍ ନମ୍ବର 8। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଆକାଡେମୀରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ, ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, SMS କରିପାରିବେ ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍ ଅନ୍ ଆକାଡେମୀ ଫର ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍।